पर वाराणसी चलते हैं क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी क्षेत्र है। तो क्या अमित माना जाए गंगा मैया ने अपने बेटे को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, लैंडस्लाइड विक्ट्री उत्तर प्रदेश में? लेकिन निश्चित रूप से 300 प्लस तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी दिखाई दे रही है। बनारस की 8 सीट पर बीजेपी और उसके जो सहयोगी हैं वो आगे चल रहे हैं और बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं, करीब 16,000 से 20,000 के अंतर से अलग अलग सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बनारस में एक तरीके से जनमत संग्रह प्रधानमंत्री को लेकर था और प्रधानमंत्री के पक्ष में काशी की जनता ने एक जनमत संग्रह दिया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन सुधांशु मित्तल जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं, फिर संबित में आपके पास आऊंगा। सुधांशु मित्तल, संबित की बातें हमने सुनी और वाकई आप भी मेरे साथ लगातार बैठ रहे थे और आपने भी कहा कि विक्ट्री होगी, आप एक्सिस को कोट कर रहे थे जो 270 सीटें दे रहा था, लेकिन क्या लगता है आपको पीएम मोदी एकमात्र कारण रहे जिस वजह से ऐतिहासिक मैंडेट मिलता हुआ आपको? स्वाभाविक तौर पे आपको ध्यान होगा मैंने पिछली बार भी कहा था कि अब देश का मानस बदल चुका है। चुनावों को हम जो जात और धर्म के परिपेक्ष में देखते हैं वो गलत है, अब चुनाव उम्मीद के चुनाव हो गए हैं। लोग ये देखते हैं कि किस व्यक्ति या किस संगठन से वो अपने भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। 5 साल की गुंडाई, उससे पहले 5 साल का भ्रष्टाचार, उसके मुकाबले विकल्प में एक ऐसा नेतृत्व जो ना केवल भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देगी, जो देशवादी राष्ट्रवादी हो। देखिए, इस सारे चुनाव में 3 चीजों में बदलाव आएगा। पहला, नोटबंदी को लेकर जो दुष्प्रचार हुआ था उससे एक नया वर्ग खड़ा हुआ, ठीक है, जो ईमानदारी से अर्थव्यवस्था के प्रति समर्पित था। उसके लिए ईमानदार वर्सेस बेईमान, एक ये नया एक इस समय देश के अंदर माहौल है। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जिस तरह कुतर दिए गए थे या नकारात्मक भूमिका कांग्रेस की रही थी, तो राष्ट्रवाद जो है एक बार दोबारा लोगों के मानस में, जहन में दोबारा तीव्रता से आ चुका है। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, जिस तरह पंजाब में हो या कहीं जम्मू कश्मीर में हो, आतंकवादियों के साथ या चरमपंथियों के साथ राष्ट्रीय दल खड़े होकर उनकी सराहना कर रहे थे, तो इन सारी चीजों को देख के लोगों में एक ये तय हुआ है कि ये एक नेतृत्व है जो देश बिल्कुल और ये आपकी जो आपकी जो विवेचना है और आपका जो विश्लेषण है बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त तो फिट बैठता दिख रहा है जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे लगातार, मैं जब से सोशल मीडिया ट्रैक कर रहा हूँ, सुबह जब से रुझान आ रहे हैं, एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि अब तो यूपी में राम मंदिर बनेगा। उत्तर प्रदेश में पहला काम क्या होगा? देखिए, पहली बात तो है कि उत्तर प्रदेश में पहला काम क्या होगा, इसका खुद उद्घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में किया है। सरकार बनने के 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का जो बकाया रकम था उस रकम को क्लियर किया जाएगा और जो लघु व सीमांत कृषक हैं उनके लघु ऋण को माफ किया जाएगा, उनके ऋण को माफ किया जाएगा। गरीब हमारा पहला प्रायोरिटी है। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे मैनिफेस्टो में 2014 में ही राम लल्ला जी का जिक्र भी हुआ था कि हम मंदिर को कानूनन, जो कानून अलाउ करेगा, जो संविधान अलाउ करेगा, उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कंसेंसस से, कानून के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जरूर वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ये तो हमारे मैनिफेस्टो में है ही। और आपके मैनिफेस्टो में 300 से ज्यादा सीटें अगर जिताकर दे दे यूपी की जनता, तो फिर आपको किस कंसेंसस की जरूरत दिखती है यहां पर संबित पात्रा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर 300 से अधिक सीटें दिया है तो हम उसको बिल्कुल सही प्रकार से संविधान के अनुसार जिस प्रकार से कंसेंसस लेना चाहिए। क्या उपाय है? देखिए, एक उपाय है कि सुप्रीम कोर्ट को हम गुहार लगा सकते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो अपना फैसला है वो डिलीवर करे। दूसरा उपाय है कि हिंदू मुसलमान सब बैठकर इस पर एक कंसेंसस बनाए कि वहां मंदिर बनना चाहिए। तो ये दोनों कामों में त्वरितता लाकर संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, आईन के अनुसार वहां मंदिर बने, ये हम उसके पक्ष में हैं और जरूर उसी पक्ष में काम भी करेंगे। जी जी, संबित जी, अब तक पूरे उत्तर प्रदेश चुनावों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, उनका नाम प्रमुखता से आगे बढ़ा है, अब आगे आने वाले टाइम में सीएम कैंडिडेट कौन? देखिए, हमारी पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते एक स्ट्रक्चर होता है जो ये निर्णय लेता है कि सीएम कौन बनेगा। एक सेंटर में पार्लियामेंट्री बोर्ड भी होती है और उसके बाद जो
चुनाव होकर एमएलए आएंगे उनका एक बॉडी भी बनेगा, वह भी बैठ के निर्णय लेंगे कि आखिर उनका मुखिया कौन होगा। जब ये निर्णय हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है संबित, मेरे साथ जीतन पटवारी भी है, एक सवाल उनसे लेता हूं मैं और उसके बाद मेरे साथ अखिलेश यादव खुद यहां पर होंगे और उनसे हम बात करेंगे। लेकिन जीतन पटवारी सर, साइकिल पर चढ़ने की कोशिश की और सुबह से आप इस बात का खूब जवाब दे रहे होंगे, अभी तक शायद कोई विश्लेषण भी या कोई आपने खुद असेसमेंट किया होगा कहां कमी रह गई? यूपी को इस साथ पसंद नहीं आएगा, लग तो यही रहा है। गौरव दो बातें, एक तो सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और संवित और सुधांशु जी को यूपी में आगे बढ़ने की भी शुभकामनाएं। लोकतंत्र का एक अच्छा चेहरा है, जो जीत जाता है वही सिकंदर होता है, जिसको जनता चुनती है, इसका मतलब था कि उसने कुछ अपना अच्छे से प्रेजेंट किया। पर संवित ये भी एक अच्छी बात है कि आपका गोवा का, पंजाब का, मणिपुर का, इसमें भी मैं समझता हूँ कि विचार आना चाहिए। राज्य तो राज्य है, आप एक राज्य की बात करते हैं, यूपी का महत्वपूर्ण रोल है देश की राजनीति में, देश के भविष्य में। जिस तरीके से पोलराइजेशन के पार्ट पे प्ले आप कहते हो कि कांग्रेस या अखिलेश या मायावती जी ने किया, पर मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री ने जो बातें देश के मंचों से कही, देश की राजनीति और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए कहीं कहीं सोचते हैं और आप क्या कहते हैं इस बात का कोई मतलब नहीं रहेगा। यूपी की जनता क्या कहती है हम तो ये दिखा रहे हैं सर, और यूपी की जनता को ना तो आप नकार सकते हैं ना हम नकार सकते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है। उमर अब्दुल्ला आपके सहयोगी रहे कई बार सरकारों में, वो कह रहे हैं 2019 छोड़िए 2024 की तैयारी करिए। तो सर कहना तो आप यूपी की जनता ने शुरू कर दिया। गौरव ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, लोकतंत्र में हमेशा सुधारवादी दृष्टिकोण से अगर काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ पीछे रह जाएंगे हम। जब तक इस बात को क्यों, क्या कमी रही, क्यों हार रही है, किस बात का डिमोनेटाइजेशन पे इतना बड़ा असर हुआ या नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी को कैसा रोल प्ले करना था और कैसा किया, ये सब बातें समीक्षा की। पंजाब का श्रेय तो आपने देते हैं, मान लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा जिसमें इस बार आपने हाथ पकड़ा समाजवादी पार्टी का, लेकिन ये साथ पसंद नहीं आया उत्तर प्रदेश को, ये साफ तौर पर जनता ने बता दिया है। अब चलिए खुद अखिलेश जी से ही जान लेते हैं कि इस बार कहां पर कमी रह गई। अखिलेश जी बताइए, आपने पकड़ा था कांग्रेस का हाथ, सोचा था कि राहुल गांधी को अपनी साइकिल के पीछे सवारी देके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कमी कहां पर रह गई? देखिए मैं यह कह सकता हूं कि जो हमने जो विकास किया है उसको कम से कम जनता के बीच लेके गए थे, अब जनता ने अगर उस विकास को स्वीकार किया है, लेकिन जो गलतियां हुई हमसे, हमने कम से कम कांग्रेस का हाथ मिलाया, वो गलती हो सकती है, हम चाचा के साथ नहीं थे, शिवपाल चाचा हमारे साथ नहीं थे, संगठन की बहुत बड़ी कमी रही।